Hi, dear students, myself Naresh Dhakar, assistant professor in IT University Gwalior, Department of Entomology, School of Agriculture Science. So today we talking about on new topic. Generally today we talking about on two orders. First order is order Thysanoptera and second order is order Hemiptera. So now we start on order Thysanoptera. The order Thysanoptera generally is a very smallest order and very destructive order of agriculture importance. So now we talking about some characteristics of order Thysanoptera. In the Thysanoptera orders, the major examples of Thysanoptera order is a thrips. So thrips is very minute insects and bear very finely type of beings like as prince. So the meaning of order Thysanoptera is a Thysano means fringe or Tera means wings. Fringe type of wings are present in order Thysanoptera. So the most examples of Thysanoptera are thrips. So and the characteristics of thrips or Thysanoptera order, small to minute slender bodies, terrestrial insect. इसके इंसेक्ट जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और सिलेंडर टाइप की उनकी बॉडी होती है एवं टेरेस्ट्रियल टाइप के होते हैं जो जमीन पर रहते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर एंटीनिसॉट मोनिलिफॉर्म एंड 6 to 10 सेगमेंटेड होती हैं. जो इसकी एंटीनी होती है एंटीनी शॉर्ट होती हैं और मोनिलिफॉर्म होती हैं 6 से 10 सेगमेंटेड होती हैं यूजली विथ सेंस ऑर्गन्स के काम करती हैं. उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्डर है कंपाउंड आइज कॉन्स्पिक्यूअस विद 3 ओसीली इन विंग फॉर्म. जो इंसेक्ट में जिनमें विंग्स पाए जाते हैं इस ऑर्डर के में उनकी कंपाउंड आइज होती है वो कॉन्स्पिक्यूअस फॉर्म में पाई जाती है और 3 ओसीली होती है जिनमें विंग्स पाए जाते हैं उन इंसेक्टों में. उसके बाद में नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है माउथ पार्ट आर एसिमेट्रिकल राइट मैंडिबल्स इज रुडिमेंट्री एंड लेसरिंग द स्टाइलेट. इसमें 3 स्टाइलेट पाई जाती हैं. इसके माउथ पार्ट जो होते हैं सबसे स्पेशल टाइप के होते हैं उनको रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट बोला जाता है. इसमें रेस्पिंग का मतलब जो होता है वो दरअसल किसी चीज़ को खरचने वाला काम करते हैं यानी कि इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं स्पेशली दरअसल इनको एसिमेट्रिकल इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो मैंडिबुल्स होती है वो राइट साइड की अब्सेंट होती है इसलिए इनको एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट भी बोला जाता है. यानी इस टाइप के माउथ पार्ट्स केवल थ्रिप्स में ही पाए जाते हैं और थ्रिप्स के जो माउथ पार्ट हैं वो उसमें जो फंक्शनल पार्ट्स होते हैं वो जनरली लेब्रम लेबियम और मैगजिली होती हैं. ठीक है तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ होस्ट माउथ पार्ट्स प्रेजेंट इन थ्रिप्स. नेक्स्ट मोस्ट कैरेक्टर्स हैं विंग और विंगलेस. ये जो इंसेक्ट होते हैं वो विंग भी होते हैं उनमें और किसी किसी में विंग्स नहीं पाए जाते हैं. विंग व्हेन फुली डेवलप्ड आर लॉन्ग एंड नैरो विथ हाईली रिड्यूस्ड वेनेशन विथ फ्यू नो वेंस. द विंग्स आर फ्रिंज विथ लॉन्ग हेयर ऑन द मार्जिन. जो इसके इंसेक्ट होते हैं वो विंग्स वाले जिनमें विंग्स भी पाए जाते हैं और कुछ इंसेक्टों में विंग्स अब्सेंट रहते हैं. विंग जब वो फुली डेवलप होते हैं तो वो लॉन्ग भी होते हैं नैरो विथ हाईली रिड्यूस्ड वेनेशन होता है. इनमें कोई वेनेशन की बहुत ही लैक कंडीशन पाई जाती है बहुत ही कम वेनेशन पाया जाता है या वेंस बहुत कम होती हैं. ठीक है और हाईली रिड्यूस्ड टाइप के फॉर्म में पाए जाते हैं. द विंग्स आर फ्रिंज विथ लॉन्ग हेयर ऑन द मार्जिन. इसके जो विंग्स होते हैं वो फ्रिंज टाइप के होते हैं और जिनके ऊपर एक हेयर की मार्जिन हेयर की या लंबे बालों की एक मार्जिन पाई जाती है. नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका द लेग शॉर्ट टर्साई 1 or 2 सेगमेंटेड विथ 1 or 2 क्लॉज. इसके जो लेग्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और टर्साई जो लेग का पार्ट होता है वो 1 से 2 सेगमेंटेड होता है और इसमें 1 या 2 क्लॉ पाए जाते हैं या नाखून पाए जाते हैं विथ ए ब्लेडर लाइक टर्मिनल प्रोट्रूसिबल वेसिकल.
इसमें एक ब्लेड लाइक ही टर्मिनल पाया जाता है जो फाइसोपोड्स या प्रीवियसली कहलाते हैं, जिसको फाइसोपोड्स कहते हैं, विच एट रेस्ट रेस्ट्रिक्टेड एंड विजिबल, जो बाद में एक कंडीशन से दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है व्हेन वॉकिंग, जब यह चलता है, इट इज़ एक्सटेंड आउट बाय मीन्स ऑफ ब्लड प्रेशर। यह जब चलता है तो एक जगह से दूसरी जगह इसकी ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग इसकी मूवमेंट डिपेंड करता है, और एनेबल द इंसेक्ट टू वॉक ऑन एनी काइंड ऑफ सरफेस। जो इंसेक्ट उसके होते हैं वो हर टाइप की सरफेस पे चलने के लिए एनेबल नहीं होते हैं, या एनेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट कैरेक्टर है इसका जो एब्डोमेन होता है, यानी कि एब्डोमेन इज एनलार्ज विथ सॉरी एनलार्ज और एलोंगेटेड विथ 10 to 11 सेगमेंटेड, यूजली टेपरिंग पोस्टीरियरली। इसका जो एगमेंट जो एब्डोमेन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और 10 से 11 सेगमेंटेड होता है, जिसमें 10 से 11 खंड पाए जाते हैं, और पीछे की साइड में मुड़ा होता है, टेपरिंग पोस्टीरियरली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें जो सरसाई होती है, यानी कि लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे एक एंटी क्लॉक या लॉक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको सरसाई कहते हैं, वो अब्सेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटामॉर्फोसिस इज कंपेंड बाय वन और टू इनएक्टिव पीपल इन स्टार। इसमें जनरली वैसे तो ये इंसेक्ट ऑर्डर है थाइसोनोप्टेरा, वो एग्जोटेरिगोट ऑर्डर से बिलोंग करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेशल टाइप का मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी जो निम्पल इन स्टार होती है वो सिमिलर टू लार्वा की जैसी कंडीशन दिखती है। जब लार्वा कंडीशन इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है तो उसको पीपा बोलते हैं। तो इसी तरह से इसका जो निम्प या लार्वा कंडीशन होती है वो या निम्प जो इनएक्टिव फॉर्म में जाती है तो उसको पीपल इन स्टार कहा जाता है। जनरली ये इस टाइप का मेटामॉर्फोसिस है कि जो अदर इंसेक्टों से थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसमें ऐसे कह सकते हैं कि कंप्लीट भी नहीं होता है और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी नहीं होता है, जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों की मिट की एक चेन है। ठीक है, इसके केवल इसमें क्या होता है कि वन और टू इन स्टार पाई जाती है, पीपल इन स्टार। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है पैराजोइट पार्थेनोजेनेटिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ वेरी कॉमन। इसमें जो पार्थेनोजेनेटिक कंडीशन पाई जाती है, पार्थेनोजेनेस मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पार्थेनोजेनेटिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ वेरी कॉमन। इसमें पार्थेनोजेनेटिक कंडीशन जनरली देखी जाती है, और एंड इट मैनी स्पीसीज मेल्स आर रेयरली सीन। बहुत ही कम स्पीसीज में इसके मेल्स को देखा गया है, जनरली फीमेल्स ही केवल पाई जाती हैं जिनमें पार्थेनोजेनेटिक कंडीशन पाई जाती है। ओके, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर थाइसोनोप्टेरा। देन नाउ वी टॉकिंग अबाउट ऑन फैमिली ऑफ ऑर्डर थाइसोनोप्टेरा। सो इन द ऑर्डर थाइसोनोप्टेरा इज द वन मोस्ट इंपोर्टेंट फैमिली, दैट इज थ्रिप्टी। तो दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंजूरियस फैमिली इन द थ्रिप्स। थ्रिप्टी जो फैमिली है वो लार्जेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली है, जो कि सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, और इसके मोस्ट एग्जांपल्स है थ्रिप्स। एंटीनी इसके जो सदस्यों में होते हैं थ्रिप्टी फैमिली के में, जो एंटीनी 6 to 9 सेगमेंटेड नॉट कॉनिकल विथ सेंस कॉन्स। इसके हैं जो कॉन्स होते हैं उन पर कोई किसी प्रकार का सेंस ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है। एंटीनी एंड्स इन वन और सेगमेंटेड एपिकल स्टाइलेट। एंटीनी जो होती है वो लास्ट के पार्ट्स पे वन और सेगमेंटेड एपिकल स्टाइलेट होते हैं उस पर, और फोर्थ सेगमेंट्स यूजली एनलार्ज। इसका जो लास्ट का सेगमेंट यानी कि फोर्थ सेगमेंट होता है वो बड़ा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट मोस्ट कैरेक्टर है विंग और विंगलेस इंसेक्ट होते हैं इसके, जिनमें विंग्स पाए जाते हैं और कुछ इंसेक्टों में विंग्स नहीं पाए जाते। अगर इसमें द विंग्स आर नैरो एंड पॉइंटेड एट द टिप एंड फ्रिंज विथ लॉन्ग हेयर ऑन द मार्जिन। इसमें जो इंसेक्ट होते हैं इसके कुछ इंसेक्ट विंग्स लेस होते हैं और कुछ इंसेक्ट विंग पाए जाते हैं। अगर इन किसी इंसेक्टों में विंग्स पाए जाते हैं तो विंग्स आर नैरो
जो कि नैरो यानी कि चौड़ पतले होते हैं और पॉइंटेड होते हैं एट द टिप, लास्ट के पॉइंट पे पतले होते हैं। एंड फ्रिंज विद द लॉन्ग हेयर ऑन द मार्जिन, जो मार्जिन होती है लास्ट के ऊपर की, उस पर एक फ्रिंज फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके देन नेक्स्ट है ओविपोजिटर इज नॉर्मली डेवलप्ड एंड डाउन कर्व, इसमें जो ओविपोजिशन होता है वो नॉर्मली जो पूरी तरह से विकसित होता है और डाउन साइड की साइड में, डाउन साइड में कर्व्ड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है टर्साई आर सेगमेंटेड, टर्साई जो होती है वो समटाइम विथ क्लॉ लाइक अपेंजेंस एट अपेक्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सेगमेंट्स, जो टार्सस होती है वो पहले और दूसरे सेगमेंट्स पे एक इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है क्लॉ या गद्दी नुमा रचना होती है, उसको क्लॉ बोलते हैं, क्लॉ लाइक अपेंजेंस पाया जाता है लास्ट की टार्सर के पॉइंट पे, फर्स्ट और सेकेंड सेगमेंट पे। ओके देन नेक्स्ट पॉइंट है द ऑनियन, इसका एग्जाम्पल्स जो मेजर है इस थ्रिप्डी फैमिली की मेजर एग्जाम्पल्स हैं ऑनियन थ्रिप्स, ऑनियन थ्रिप्स का साइंटिफिक नेम होता है थ्रिप्स टेबेसाई। उसके बाद में नेक्स्ट चिली थ्रिप्स पाई जाती है, तो चिली स्क्रूटो थ्रिप्स डोरसाइलिस साइंटिफिक नेम होता है उसका। तो दिस इज द मेजर फैमिली ऑफ ऑर्डर थाइसेनोप्टेरा इज थ्रिप्डी एंड मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फैमिली एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फैमिली। सो दिस इज ए कम्प्लीटली ऑफ ऑर्डर थाइसेनोप्टेरा। देन नाउ वी टॉकिंग अबाउट आवर न्यू ऑर्डर हेमिप्टेरा, न्यू ऑर्डर हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा मीन्स, हेमी मीन्स होता है हाफ एंड टेरा मीन्स होता है विंग्स। तो इसका जो मतलब है इस ऑर्डर का वो हाफ विंग्स, यानी कि इसके जो सदस्य होते हैं या इसके जो इंसेक्ट होते हैं उनमें हाफ टाइप विंग्स पाए जाते हैं। जनरली टू पेयर ऑफ विंग्स में ऊपर वाले विंग्स जो होते हैं उनको हेमिलेट्रा बोलते हैं, क्योंकि वो लेदरी और टप लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसका ऊपरी भाग बीच से मुड़ता है और नीचे की साइड मतलब टाइट, ऊपर की साइड टाइट रहता है और नीचे की साइड मुड़ जाता है, तो उस प्रोसेस को हेमिलेट्रा बोला जाता है। और नीचे की साइड जो नीचे की साइड यानी कि हाइंड विंग होते हैं वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस टाइप के होते हैं। सो इसमें जो उसका हेमिप्टेरा का जो मेजर एग्जाम्पल्स हैं वो हैं जैसे एफिड है, एफिड, जेसिड, हॉपर, बग्स, साइलेड्स, ब्लैक फ्लाई, ब्लैक फ्लाई एंड व्हाइट फ्लाई, डिफरेंट टाइप्स के हैं इंसेक्ट इस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। और मोस्टली जो इंसेक्ट होते हैं इसके वो प्लांट फीडर होते हैं और सेब को सक करके फीड करते हैं, यानी कि इनके पास में प्लांट जो माउथ पार्ट पाए जाते हैं वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के पाए जाते हैं। ओके तो देन बी टॉकिंग अबाउट ऑन मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर हेमिप्टेरा। सो फर्स्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स स्मॉल टू लार्ज, स्मॉल टू लार्ज मोस्टली टेरेस्ट्रियल, सम आर एक्वेटिक। इसके जो इंसेक्ट होते हैं वो छोटे भी होते हैं और कुछ इंसेक्ट बड़े भी होते हैं, जैसे कि बग होती हैं वो बड़े होते हैं और जो एपेड, जेसेड, हॉफर वगैरह होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये इनमें इसके अलावा कुछ इंसेक्ट इसके जो बग टाइप होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब कुछ ज़मीन पर रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्डर है कैरेक्टर है एंटीनी, फेयरली लॉन्ग, फोर और फाइव सेगमेंटेड, कंपाउंड आइज, वेल डेवलप्ड, ओसिली वेन प्रेजेंट आर टू इन नंबर। इसकी जो एंटीनी होती है फेयरली लॉन्ग लॉन्ग होती है और 4 से 5 सेगमेंटेड होती है कंपाउंड आइज। उसके बाद में वेल डेवलप होती हैं, वो कंपाउंड आइज होती है, 4 से 5 सेगमेंटेड कंपाउंड आइज पाई जाती हैं और वेल डेवलप होती हैं। ओसिली अगर प्रेजेंट होती है तो संख्या में 2 होती हैं। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टर है माउथ पार्ट्स पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप पाए जाते हैं एंड विथ सिलेंडर, माउथ पार्ट्स पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स एंड विथ सिलेंडर सेगमेंटेड बेक मॉडिफाइड लेबियम, दस अराइज दैट अराइज फ्रॉम द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड एंड यूजली एक्सटेंड बैक अलोंग द वेंट्रल साइड समटाइम्स एज फार एज द बेस ऑफ हाइंड कोक्सा। सो जिसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप पाए जाते हैं। पियर्सिंग सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स में जनरली जो उसकी स्टाइलेट होती है उसको पेनिट्रेट करने का काम करती हैं और जो दूसरी स्टाइलेट होती है वो सकिंग टाइप का काम करती हैं। तो पियर्सिंग का काम करने का काम जो मैंडिबुलेट स्टाइलेट करती है और मैगजिली की स्टाइलेट जो होती है वो सकिंग का काम करती हैं। तो दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इज पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स। और जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो विद सिलेंडर सेगमेंटेड बीक
बिल्कुल जो मॉडिफाइड लेबियम का फॉर्म होता है, उसके बाद में जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो हेड के फ्रंट पार्ट से अराइज होते हैं और जो पीछे की साइड तक क्या होते हैं फैले रहते हैं, इसलिए जो उसकी हेड की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो बैक साइड में पोजीशन होती है, तो यानी कि हेड की पोजीशन होती है उसको ऑपिस्थोजेनेटस कंडीशन बोलते हैं, ऑपिस्थोजेनेटस कंडीशन। तो इसके क्या कंडीशन होती है कि जो माउथ पार्ट्स की जो उसकी स्टाइलेट होती है उसको एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग कंडीशन दे बैकवर्ड देयर माउथ पार्ट्स इन टू द फ्रंट लेफ्ट साइड या बैकवर्ड साइड। तो नेक्स्ट मोस्ट कैरेक्टर है प्रोनोटम लार्ज, द मेसोनोटम एग्जिबिट फाइव फोल्ड्स डिवीजन एमोंग विच स्क्यूटुलम इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। जो प्रोनोटम होता है थोरैक्स का जो पार्ट होता है प्रोनोटम वो बड़ा होता है, मेसोनोटम जो होता है वो एग्जिबिट फाइव फोल्ड में डिवीजन डिवाइड रहता है। उसके बाद में स्क्यूटुलम इज वेरी प्रोमिनेंट, जिसका स्क्यूटुलम होता है वो बहुत ही शो होने वाला या दिखने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर है विंग और विंगलेस। इसके जो इंसेक्टों में कुछ इंसेक्टों में विंग्स पाए जाते हैं और कुछ इंसेक्टों में विंग्स नहीं पाए जाते, या नहीं पाए जाते इसे मतलब कि रिड्यूस फॉर्म में पाए जाते हैं। जब विंग द फोर विंग आर बेसली थिकनेड एंड मेम्ब्रेनस एपिकली एंड नॉन एज हेमिलेट्रा। इसके जो विंग्स पाए जिन इंसेक्टों में विंग्स पाए जाते हैं उनके आगे वाली जोड़ी जो पिंक पंख होते हैं या फ्रंट फोर विंग होते हैं वो थिकनेट होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं ऊपर की साइड में, और उनको ऊपर वाले जो विंग्स होते हैं उनको हेमिलेट्रा के नाम से जाना जाता है, या वी कैन से द हेमिलेट्रास फोर विंग्स और कॉल्ड एज सॉरी द विंग्स ऑफ हेमिप्टेरा और फोर विंग्स ऑफ हेमिप्टेरा इज कॉल्ड एज हेमिलेट्रा। सो नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ओडोरीफेरस ग्लैंड्स और रेपुजेंटोरियल ग्लैंड्स और सेंट ग्लैंड्स आर और स्टिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विच ओपन नियर हाइंड कोक्सा ऑन द साइड्स बाई वेंट्रल पोर्स गिविंग आउट ए अनप्लीजेंट ओडोर। इसमें इसका जो पीछे का साइड का जो कोक्सा पाया जाता है लेग्स का भाग होता है कोक्सा, उस पे से एक पोर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जहाँ पे क्या होता है इसमें ओडोर या सेंस और सॉरी ओडोर्स या सेंट ग्लैंड्स पाई जाती हैं जहाँ से एक अनप्लीजेंट टाइप की स्मेल आती है, ठीक है। तो जो ओडोरिस ग्लैंड्स कहाँ पे पाई जाती हैं, इसकी हैंड लेग के कोक्सा के पास में जो पोर्स पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं सेंट ग्लैंड्स बोलते हैं, जिससे एक अनप्लीजेंट टाइप की अनचाही टाइप की खुशबू या स्मेल प्रोड्यूस होती है। दरअसल ये स्मेल प्रोड्यूस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है कि जब कोई इसको टच करेगा, इस टाइप के इंसेक्टों को टच करता है तो वो अपने बॉडी से या कोक्सा से डिफरेंट टाइप का ऑर्गन्स प्रोड्यूस करती है जिससे वो अनप्लीजेंट टाइप की होती है, तो उसके प्रीडेटर पैरासिटॉइड से या कोई भी डेंजरस होता है वो उसे दूर हट जाता है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट मेजर पॉइंट्स ओविपोजिटर स्मॉल विथ टू पेयर ऑफ वेल्व्स और वेल डेवलप्ड फॉर इंसर्टिंग देयर एग्स इन द प्लांट टिश्यू। इसका ओविपोजिटर जो होता है वो कम्प्लीटली डेवलप होता है लेकिन छोटा होता है, और टू पेयर्स ऑफ वल्व पाए जाते हैं, इसमें दो जोड़ी वल्व पाए जाते हैं और पूर्ण कम्प्लीटली डेवलप होते हैं। इसका जो वल्व होते हैं वो किसी प्लांट के टिश्यू में एगलिंग करने के टाइम उसके टिश्यू में एगलिंग करने के टाइम उसमें इंसर्टिंग का काम करता है, टिश्यू के अंदर अपने ओविपोजिटर को इंसर्ट करने के बाद में एगलिंग करता है। यानी कि जनरली जो मोस्टली इंसेक्ट होते हैं जैसे हॉपर प्लांट हॉपर और कुछ बग्स जो प्लांट्स के बॉडी के टिश्यू के अंदर अपना एगलिंग प्रोड्यूस करती है, एपिडर्मिस के अंदर अपना एगलिंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट है एनल सरसाई अबसेंट। इसमें जो एनल सरसाई होती है लास्ट पॉइंट पे एब्डोमेन के लास्ट पॉइंट पे सरसाई होती है वो अबसेंट होती है, और मेटामॉर्फोसिस जो होता है इसमें सिंपल होता है। मैंने आपको पहले बताया कि दिस इज एग्जोटेरिगोट ऑर्डर और एग्जोटेरिगोट ऑर्डर बियर सिंपल मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट टाइप मेटामॉर्फोसिस, सो दैट दीज टाइप ऑफ इंसेक्ट्स बियर ओनली थ्री स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, फर्स्ट इज एग्स, सेकेंड इज निम्फ, थर्ड इज एडल्ट। सो एग निम्फ एंड एडल्ट बोथ दीज थ्री स्टार इज इनकम्प्लीट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ओके देन नेक्स्ट हाँ इसके बाद में जो दिस इज ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर हेमिप्टेरा,
देन नाउ बी टॉकिंग अबाउट ऑन देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस. सो फर्स्ट फैमिली इज पेंटाटोमिडी. तो मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ पेंटाटोमिडी पेंटाटोमिडी इज स्टिक बग, सील्ड बग एसेट्रा. इसकी जो फैमिली है पहली और जो एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस की फैमिली है वो पेंटाटोमिडी है. इसका नाम क्या है? पेंटाटोमिडी. इसके मुख्य एग्जाम्पल्स हैं स्टिक बग और सील्ड बग. तो इसके बाद में जो उसके एग्जाम्पल्स के बाद में हम चर्चा करते हैं इसके मोस्ट एग्जाम्पल्स मोस्ट कैरेक्टर क्या है इस फैमिली पेंटाटोमिडी फैमिली के. तो पहला कैरेक्टर इसका मीडियम टू लार्ज इंसेक्ट होते हैं. मीडियम टू लार्ज इंसेक्ट्स मोस्ट कॉमन एंड एबंडेंट ऑफ बग्स दैट प्रोड्यूस डिसएग्रीबल ओडोर ब्रॉड सीड लाइक. इसमें जो उसके इंसेक्ट होते हैं वो छोटे से लेकर बड़े तक होते हैं और मोस्ट कॉमन एबंडेंट ऑफ द बग्स. इसमें जो मोस्टली आते हैं वो ज़्यादातर जो एक्टिव रहते हैं एक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं वो होते हैं बग्स. ठीक है. उसके बाद में उन बग्स में एक सबसे मोस्ट कैरेक्टर पाया जाता है कि जो डिसएग्रीबल ओडोर प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी से. मैंने अभी चर्चा की थी इसमें कि जिसका कोक्सा होता है हैंड लेग्स का उस हैंड लेग्स को कोक्सा पे एक पोर्स पाया जाता है जहाँ पे क्या होता है कि सेंट ग्लैंड्स पाई जाती हैं. उन सेंट ग्लैंड से ही क्या होता है कि एक डिसएग्रीबल या अनप्लीजेंट टाइप की स्मेल प्रोड्यूस होती है. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट मोस्ट कैरेक्टर है हेड विथ लेटरल मार्जिन काउंसिलिंग बेस ऑफ एंटीनी. इसमें क्या होता है कि जो हेड होता है वो लेटरल मार्जिन पर प्रेजेंट रहता है और कंसीलिंग यानी कि छुपा होता है एंटीनी के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन है नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्डर है एंटीना यूजली फाइव सेगमेंटेड होती हैं. इसकी जो एंटीना होती हैं वो मेजरली फाइव सेगमेंटेड होती हैं और ओसीली ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट. इसमें जो ओसीली होती हैं वो हमेशा क्या रहती हैं प्रेजेंट रहती हैं और जनरली इंसेक्टों में मोस्टली इंसेक्टों में जो ओसीली होती है नंबर ऑफ थ्री होती हैं और एक जिनमें से हमेशा फ्रॉन्स के ऊपर पाई जाती है. ठीक है. उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है द प्रोनोटम ब्रॉड एंड सील्ड शेप. इसका जो प्रोनोटम होता है थोरेक्स में एक पार्ट होता है नोटम प्रोनोटम मिजोनोटम मेटानोटम इस टाइप के. तो प्रोनोटम जो होता है ब्रॉड होता है और सील्ड शेप में पाया जाता है. इसको टेलम लार्ज ट्रायंगुलर समटाइम एक्सटेंड पोस्टीरियरली टू द एक्सटेंड ऑफ कवरिंग विंग एंटायरली. इसका जो स्कूटेलम जो नाम का ऑर्गन्स होता है वो लार्ज और ट्राइंगुलर फॉर्म में पाया जाता है और कभी कभी यह पीछे की साइड में विंग्स के ऊपर की साइड विंग्स के नीचे की साइड तक पूरा क्या होता है कवर किए रहता है पूरी तरह से. उसके बाद में नेक्स्ट है द एग्स आर यूजली बैरल शेप. पेंटाटोमिडी फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनके जो एग्स होते हैं वो जनरली बैरल शेप फॉर्म में पाए जाते हैं या बैरल शेप एग होते हैं विथ स्पाइन ऑन द अपर एंड जिनके ऊपर की साइड में क्या होता है एक कांटे की जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है. ठीक है. उसके बाद में जिसके जो मोस्ट एग्जांपल्स हैं इस फैमिली के पेंटाटोमिडी फैमिली में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं तो इसका सबसे पहला एग्जांपल्स है ग्रीन स्टिंग बग. तो इसका साइंटिफिक नेम है नजारा वायुडाला. जनरली ग्रीन स्टिंग बग इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसेक्ट और इंसेक्ट पेस्ट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स बट मेजरली फाउंड इन ग्राउंडनट. ओके. नेक्स्ट मोस्ट एग्जाम्पल्स इसका रेड पम्पकिन बग एस्पोफोगस जेनस. ये भी जो अपना पम्पकिन होता है या कुकुरबिटेसी फैमिली की जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर फीड करता है. इसको बोलते हैं अपन रेड पम्पकिन बग. उसके बाद में नेक्स्ट जो मोस्ट इंसेक्ट है उसको बोलते हैं केबेज पेंटेड बग या मस्टर्ड फेंटी बग पेंटेड बग. ये जनरली इसका साइंटिफिक नेम है बगराडा क्रूसीफेरा. ये इंसेक्ट मोस्टली क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट के ऊपर फीड करता है और देखने में देखोगे तो उसमें ब्लैकिश या अनप्लीजेंट अनवांट जैसे कि वेरी डीजल टाइप का इंसेक्ट होता है और देखने में मतलब से भद्दा टाइप का लगता है और ये भी अपनी बॉडी से डिफरेंट टाइप्स के अनप्लीजेंट ऑर्गन्स प्रोड्यूस करता है. सो द न्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली लेगिडी. इसकी जो दूसरी इस ऑर्डर की यानी कि हेमिप्टेरा ऑर्डर की दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली है लेगिडी. इस लेगिडी में जो इंसेक्ट आते हैं उसके एग्जांपल्स हैं सीड बग्स है चिंच बग है स्मॉल बग है हार्ड बॉडीज बग है जितने सारे बग होते हैं वो लेगिडी फैमिली से आते हैं. ठीक है. इसका जो पहला कैरेक्टर है एंटीनी आर फोर सेगमेंटेड इंसर्टेड डाउन ऑन द
ऑन द साइड ऑफ हेड, एपिकल सेगमेंट इज लार्जर। इसका जो एंटीना होता है चार चार खंडी होता है या चार फोर सेगमेंटेड होता है, जो डाउन साइड में हेड की नीचे की साइड में क्या होता है इंसर्टेड रहता है, और इसका एंटीनी की जो एपिकल सेगमेंट्स होता है वो लार्ज होता है, यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग होता है एंटीनी का। यानी कि एंटीनी जनरली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मोस्टली इसमें जो इसके सेगमेंट्स होते हैं एंटीनी की, जैसे कि इसके पेडिसिल एंड फ्लेजेलम। तो दूसरा फ्लेजेलम इज द एपिकल पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट एंटीनी, सो दैट इज लार्जर देन स्केप एंड पेडिसिल। ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टर्स, कंपाउंड आइज एंड ओसिली आर वेल डेवलप। इसकी जो कंपाउंड आइज होती हैं और ओसिली होती है वो पूरी तरह से विकसित होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, 4 to 5 अनब्रांच सिंपल वेंस इन द मेम्ब्रेनस ऑफ हेमिलेट्रा। इसकी जो हेमिलेट्रा यानी कि फोर विंग होते हैं, जो हेमिलेट्रा कंडीशन पाई जाती है वो फोर विंग्स में पाई जाती है। जो फोर विंग्स जो होते हैं वो 4 to 5 अनब्रांच सिंपल टाइप की इसमें क्या होती है मेम्ब्रेनस पाई जाती हैं, और क्विनस इज लैकिंग। इसमें क्या होते हैं क्विनिकस फ्यूरो होती है, वो फ्यूरो जो होती है वो अब्सेंट या कम होती है, और क्लेबस जो होती है एलोंगेटेड होती है। इसमें क्लोबस टाइप की नीचे की जो स्ट्रक्चर होती है विंग्स की, फोर विंग्स की, वो कैसी होती है एलोंगेटेड यानी कि लंबी होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, मेटाथोरेक्स ग्लैंड्स ओपनिंग आर प्रेजेंट। इसकी जो थोरेक्स जो होता है, थोरोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, यानी कि मेटाथोरेक्स यानी कि लास्ट पार्ट ऑफ थोरेक्स, उसमें क्या होता है ये ग्लैंड्स, उसमें ग्लैंड्स निकली होती हैं, ओपनिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, वो अपनी उसमें थोरेक्स के लास्ट पार्ट में पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है, इन सम द फ्रंट फीमुरा मॉडरेटली स्वेलन विथ 2 रो ऑफ टीथ बीनीथ। हाँ, नेक्स्ट है, कोक्सा जो होता है, कोक्सा कोक्सा जी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंसेक्ट लेग, कोक्सा रोटेटर टाइप कंडीशन में पाया जाता है। कोक्सा इज ए रोटेटर टर्साई 3 सेगमेंटेड एंड पल्विलाई प्रेजेंट, एंड पल्विलाई प्रेजेंट। जिसका लेग्स का फर्स्ट पार्ट कोक्सा होता है वो रोटेटर रोटेटर कंडीशन में पाया जाता है। टर्साई जो होती है वो 3 सेगमेंटेड होती है, और टार्सस या टर्साई की जस्ट नीचे ही गद्दीनुमा रचना पाई जाती है, उसको पल्विलाई कहते हैं, वो भी इसमें क्या होता है प्रेजेंट होती है। इसका मोस्ट एग्जाम्पल्स है डस्की कॉटन बग। डस्की कॉटन बग का साइंटिफिक नेम डिस्टर्का सिंगुलेटस। ओके, तो जैसे जो डस्की कॉटन बग कॉटन में ये लगने वाला एक इंसेक्ट है जो इसका मोस्ट एग्जाम्पल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फैमिली है इसकी, फैमिली मायरिडी। मायरिडी इसके एग्जाम्पल्स, मायरिडी को कैप्सिडी भी बोलते हैं, और इसका कैप्सिड बग और मायरिड बग इसके मोस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसका मोस्ट कैरेक्टर है फैमिली मायरिडी का, मीडियम और स्मॉल साइज के इंसेक्ट पाए जाते हैं इसमें, और यूजली डेलिकेटेड इंसेक्ट, बहुत ही मतलब सॉफ्ट बॉडी टाइप के इंसेक्ट पाए जाते हैं, और मीडियम टू स्मॉल होते हैं। उसके बाद में दूसरा कैरेक्टर है ओसिली, इसमें जो होती है अब्सेंट होती है, ओसिली आर अब्सेंट। उसके बाद रोस्ट्रम इज 4 सेगमेंटेड। रोस्ट्रम जनरली इज ए पार्ट ऑफ माउथ पार्ट्स, दरअसल जो लेब्रम होता है उसमें एक सज्जनुमा रचना निकली रहती है, उसको हम रोस्ट्रम के नाम से जानते हैं, और वो 4 सेगमेंटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मेजोरिटी लिव ऑन प्लांट जूस, सम प्रे ऑन द स्मॉल आर्थ्रोपोडास। इसके जो जनरली जो इंसेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर जीवित रहते हैं या रहते हैं वो प्लांट के ऊपर रहते हैं, जहाँ से वो उसको जूस को क्या करते हैं सक करते हैं, और सम कुछ यानी कि कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या कहते हैं आर्थ्रोपोडास के सदस्य पे क्या होते हैं प्रे की कंडीशन में पाए जाते हैं, प्रे यानी कि प्रीडेटर कंडीशन में पाए जाते हैं। ओके, इसके जो मेजर एग्जाम्पल हैं फैमिली मायरिडी के, जैसे टी मॉस्किटो बग है, इसका साइंटिफिक नेम हेलोपेल्टिस एंटोनी है। टी मॉस्किटो बग जनरली जो किसे टी के अंदर जो एक मच्छर टाइप का इंसेक्ट पाया जाता है वो उसको टी मॉस्किटो बग बोलते हैं, और मच्छर के अलावा ये काजू वगैरह पे भी बहुत सीरियसली अटैक करता है। तो काजू और टी का जो मेजर एग्जाम्पल मेजर पेस्ट है वो है टी मॉस्किटो बग। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट है जैसे कि क्रिप्टोलिनियस लिब्डिफेनिस, जनरली ये एक प्रीडेटर बग है, जो प्रीडेटर है इंसेक्ट है जो जो राइस ब्राउन ब्राउन प्लांट हॉपर के ऊपर क्या करता है अटैक करता है, या उसका प्रीडेटर है। तो जनरली दिस इज क्रिप्टोलिमस लिब्डिफेनिस इज मोस्ट प्रीडेटर इंसेक्ट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्राउन प्लांट हॉपर। ओके, देन नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फैमिली है फायरोकोरिडी। फायरोकोरिडी फायरोकोरिडी के जो मोस्ट एग्जाम्पल्स हैं वो रेड कॉटन बग और कॉटन स्टेनर।
उसके बाद में नेस्ट फैमिली का नाम, नेस्ट फैमिली का एग्जांपल्स इसको याद रखना है आप लोगों को, कि जो नेस्ट को फैमिली जो मैंने उसमें आपको ज़्यादा मतलब उसका डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन इसका जो मोस्ट एग्जांपल है फाइरोकोरिडी की रेड कॉटन बग, इसका ध्यान रखना। रेड कॉटन बग को अगर आप कभी आइडेंटिफाई करोगे या किसी पहचानोगे, तो जब इसके और भी क्रॉप होते हैं जैसे कॉटन है, कॉटन के अलावा जो अपना लेडी फिंगर है,